ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि आत्मा जो होती है ना, जीवात्मा, ये भिन्न भिन्न होती है, उसका कोई रिश्ता नहीं होता है। और ये दीक्षा जो है ना, आत्मा का रिश्ता है, शरीर का रिश्ता थोड़े। शरीर का रिश्ता उस बात के हिसाब से होता है कि रिश्तेदारी किसके साथ शादी हुई, कहाँ पर कौन से रिश्तेदार रहते हैं, वो शरीर का रिश्ता होता है। और दीक्षा जब वो भगवान की भक्ति के लिए होता है ना, तो भगवान का रिश्ता आत्मा का रिश्ता होता है, गुरु का रिश्ता आत्मा का रिश्ता होता है, उससे संसार की रिश्तेदारी से कोई भी संबंध नहीं होता है। अब ये तुम समझ लो कि किसी ने काली की दीक्षा ली हो या भैरव की दीक्षा ली हो, अब वो कहे कि जो हमारे गुरुजी भैरव की दीक्षा देते हैं, मुर्गा काटा जाता है, शराब चढ़ाई जाती है वहाँ, तो भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है, खुलेआम शराब चढ़ती है भैरव बाबा के मंदिर में, तो क्या तुम वहाँ भैरव बाबा की दीक्षा देने वाले से दीक्षा ले लोगी और शराब चढ़ाओगी? ऐसा तो नहीं कर सकती तुम। तो रिश्तेदारी भगवान की भक्ति में नहीं निभाई जाती है। भगवान की भक्ति में रिश्तेदारी यदि कोई मानता भी है, तो गुरु भाई गुरु बहन का रिश्ता मानता है। संसार वाली रिश्तेदारी, सास ससुर, देवर जेठ और देवरानी जेठानी, ये सब वाला रिश्ता नहीं चलता। गुरु भाई गुरु बहन का रिश्ता चलता है यदि वो चाहे तो। भक्ति भगवान की हो, बहुत प्रेम हो ठाकुर जी से, इसका ध्यान वहाँ देना है। वहाँ पर ये नहीं ध्यान दिया जाएगा कि जो कहीं अघोरी से दीक्षा किसी ने ले ली हो, मान लो तुम्हारे सास ससुर ने, समझने के लिए बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अघोरी से दीक्षा लिया है, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। अघोरी मांस खाते हैं, मुर्दा की खोपड़ी खिचड़ी पकाते हैं, श्मशान बनाते हैं, और उनका यही काम होता है, और वो बहुत तमोगुण साधना होती है। तो तुम्हारे सास ससुर ने या तुम्हारे रिश्तेदारी में किसी ने दीक्षा ली हो, तो क्या तुम भी अघोरी से दीक्षा लोगे? संसार की रिश्तेदारी भगवान की भक्ति में नहीं चलती है। भगवान की भक्ति में सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्तेदारी समाप्त हो जाती है, भगवान की रिश्तेदारी रह जाती है ठाकुर जी की, भगवान के भक्त की, गुरुदेव से गुरु भाई गुरु बहन तक की रिश्तेदारी अधिक से अधिक होती है। और रिश्तेदारी प्रेम की होती है, संसार की रिश्तेदारी खून वाली शरीर वाली नहीं चलती। हाँ, किसी ने तुमको गलत बताया, राधे राधे।